நமோ அரிஹந்தானம் நமோ சித்தானம் நமோ ஆயதியானம் நமோ வஜ்ஜாயானம் நமோ லோயே சர்வ சாஹுணம் ஏசோ பஞ்ச நமோ காரோ சர்வ பாவ பணாசனோ மங்களானம் ச சர்வே சிம் பரமம் ஹவை மங்களம். வெல்கம் டு திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஜோன் ஆஃப் மிராஜ் டூரிசஸ். மே மனிஷா ஆப்கா ஸ்வாகத் கர்த்தி ஹூம். पर्युषण के इस महापर्व के अवसर में हम प्रतिक्रमण के बारे में बात करेंगे। प्रतिक्रमण यानि छह आवश्यक क्रियाएं। कौन सी छह आवश्यक क्रियाएं? सामायिक, चौविसंथो, वांदन, परिक्रमणो, काउसर, पचकान। इन छह आवश्यक क्रियाओं को आज मैं आपको एक अनोखी तरीके से कराने जा रही हूं। इसे हम भाव से ध्यान के प्रयोग द्वारा करेंगे, तो अब आप इस प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। आपको एक कंफर्टेबल आसन में बैठना है, मेरुदंड सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है, आंखों को कोमलता से बंद करें। इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं, अगर आप सुन रहे हैं तो वो काफी होगा। बस देखें कि अगले 20 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप एक अनोखी भाव यात्रा करने जा रहे हैं। अब आप आंखों को कोमलता से बंद करके बैठ जाएं कायोत्सर्ग मुद्रा में। महावीर प्रभु ने जो धर्म का रास्ता बताया, उसमें से प्रतिक्रमण एक अनोखा प्रोसेस है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है। इसमें छह ऐसे आवश्यक हम करते हैं जिसके द्वारा हमारी आत्मा परमात्मा बनने के प्रोसेस में लग जाती है। सबसे पहला आवश्यक सामायिक। सामायिक हम कुछ सूत्र बोल के बांधते हैं, वो अपनी जगह है। सामायिक का अर्थ है समता में स्थिर होना। शरीर को शांत करना, वचन को मौन करना और मन को समता में स्थिर करना। सामायिक इज अबाउट ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। ब्रिंगिंग योर माइंड इनटू इक्वानिमिटी। इस प्रोसेस को करने के लिए आपका ध्यान आपकी सांसों पर है। सांसों का और मन का गहरा संबंध है। जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों पे स्थिर होता है, मन शांत होने लगता है। मन में जो विचार की तरंगे उठ रही हैं, उन्हें सिर्फ जाने, उनसे जुड़े नहीं। न राग, न द्वेष, न क्रोध, न मोह, न मान, न माया, न लोभ। मन को समता में स्थिर करे। ठहरे हुए पानी सा आपका मन शांत। इस शांत मन अवस्था में अब हमें दूसरा आवश्यक करना है,
चौबीसत्थो, यानी 2400 तीर्थंकर परमात्मा को याद करना, उनकी स्तवना करनी, उनसे जुड़ना। अब हम प्रभु के वाइब्रेशन से जुड़ेंगे। 2400 तीर्थंकर परमात्मा को याद करके उनसे जुड़ना, ये 2400 का आवश्यक है। अब हम साथ एक के बाद एक तीर्थंकर परमात्मा को याद करेंगे। आप मुझे सुने और फिर रिपीट करें। पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ, तो हम कहेंगे ओम रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः। बीजा श्री अजितनाथ, ओम रीम अरहम श्री अजितनाथाय नमः। त्रिजा संभवनाथ, ओम रीम अरहम श्री संभवनाथाय नमः। एक के बाद एक अरिहंत परमात्मा को याद करें और उनसे जुड़ने लगे। चौथा श्री अभिनंदन स्वामी, ओम रीम अरहम श्री अभिनंदन स्वामी ने नमः। पांचवा श्री सुमतीनाथ, ओम रीम अरहम श्री सुमतीनाथाय नमः। छठा श्री पद्म प्रभ स्वामी, ओम रीम अरहम श्री पद्म प्रभ स्वामी ने नमः। जैसे जैसे आप तीर्थंकर परमात्मा के नाम से जुड़ रहे हो, उनके गुणों से भी जुड़ रहे हो, उनकी वितराग दशा से भी जुड़ रहे हो। सातवां श्री सुपार्श्वनाथ, ओम रीम अरहम श्री सुपार्श्वनाथाय नमः। आठवां श्री चंद्रप्रभु स्वामी, ओम रीम अरहम श्री चंद्रप्रभ स्वामी ने नमः। नौमा श्री सुविधिनाथ, ओम रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय नमः। दशमा श्री सिद्धनाथ, ओम रीम अरहम श्री शीतलनाथाय नमः। अग्यारमा श्री श्रियांशनाथ, ओम रीम अरहम श्री श्रियांशनाथाय नमः। बारमा श्री वासुपूज्य स्वामी, ओम रीम अरहम श्री वासुपूज्य स्वामी ने नमः। तीर्थंकर परमात्मा की एनर्जी को अपने रोम रोम में महसूस करें। आपका शरीर मन शांत होने लगा है। शरीर के कण कण में तीर्थंकर परमात्मा की एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं। एक ठंडी लहर सी उठ रही है। तेरमा श्री विमलनाथ, ओम रीम अरहम श्री विमलनाथाय नमः। चौदमा श्री अनंतनाथ, ओम रीम अरहम श्री अनंतनाथाय नमः। पंद्रमा श्री धर्मनाथ, ओम रीम अरहम श्री धर्मनाथाय नमः। सोलमा श्री शांतिनाथ, ओम रीम अरहम श्री शांतिनाथाय नमः। सत्तरमा श्री कुंथुनाथ, ओम रीम अरहम श्री कुंथुनाथाय नमः। अधारमा श्री अरनाथ, ओम रीम अरहम
श्री अरनाथाय नमः। 19मा श्री मल्लीनाथ ओम रीम अरहम श्री मल्लीनाथाय नमः। 20मा श्री मुनिसुर स्वामी ओम रीम अरहम श्री मुनिसुव्रत स्वामी ने नमः। 21मा श्री नमिनाथ ओम रीम अरहम श्री नमिनाथाय नमः। 22मा श्री नेमिनाथ ओम रीम अरहम श्री नेमिनाथाय नमः। 23मा श्री पारसनाथ ओम रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः। 24मा श्री महावीर स्वामी ओम रीम अरहम श्री महावीर स्वामी ने नमः। विचरंता 20 विहरमान तीर्थंकर परमात्मा ओम रीम अरहम विचरंता स्वामी ने नमः। श्री सिमंदर स्वामी ओम रीम अरहम श्री सिमंदर स्वामी ने नमः। आंखें बंद ही रखे अपने रोम रोम में होते हुए वाइब्रेशंस फील करें। 2400 तीर्थंकर परमात्मा के अभय दयानंद के आशीर्वाद आप पे बरस रहे हैं। उनके जैसी करुणा आपके भीतर जाग रही है, उनके जैसी वितरागता वितद्वेषता आपके भीतर जाग रही है। उन्हीं की तरह बिन शर्ती प्रेम और बिन शर्ती माफ करने की शक्ति आपके भीतर जागृत हो रही है। प्रभु से जुड़ने के बाद तीसरा आवश्यक है वंदन, यानी गुरु की वंदना करना, बाह्य गुरु को नमस्कार करना, उनका वंदन करना। बट इतना मात्र काफी नहीं है, आंतरिक गुरु को भी आपको जागृत करना है। आपके कपाल के सेंटर के भाग में थर्ड आई चक्रा है, उस भाग पे आप ध्यान दें। ऐसा सोचे कि वहीं पे आपका नाक है, आप वहीं से सांस भर रहे हो और छोड़ रहे हो। बाह्य गुरु हमें ज्ञान दे सकते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, पर आंतरिक गुरु ही हमें ज्ञानी बना सकता है। हमें हमारा गुरु तत्व जागृत करना ही होगा, क्योंकि भीतर की दुनिया में हमारे अंदर के गुरु ही प्रकाश फैला सकते हैं। हमें अंतर्मुखी होकर अपने आप को, अपनी आत्मा को क्लेंस करने में, साफ करने में मदद करते हैं। आप सांसें वहीं से भरे वहीं से छोड़े, कपाल के सेंटर में होता हुआ हल्का सा प्रेशर फील करें। अज्ञानता के सारे अंधेरे छट रहे हैं, भीतर ज्ञान का प्रकाश जाग रहा है। आपके जो गुरु हैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें धर्म और धर्म का मार्ग सिखाया। और अब अपने अंतर गुरु से जुड़ जाएं, भीतर उतरना शुरू करें, अपने जीवन में नजर डालें। चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण,
ये जो प्रतिक्रमण की क्रिया है उसमें चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण दिया गया, यानी पहले हमें शांत होकर समता में स्थिर होना है, 2400 तीर्थंकर परमात्मा से जुड़ना है, भीतर के गुरु को जगाना है, तब जाके हम असल में प्रतिक्रमण कर सकते हैं। प्रतिक्रमण क्या है? वो कोई बाह्य क्रिया नहीं है। प्रतिक्रमण का मतलब है वापस लौटना, फिर से वापस आना। कहां वापस जाना है हमें? हमें अपने आत्म स्वभाव में वापस जाना है, यानी जीवन जीते जीते हम जहां जहां अपने मूल स्वभाव से अतिक्रमण करते हैं वहां से हमें वापस लौटना है। इट्स अ रिटर्न जर्नी, इट्स लाइक गोइंग बैक होम, रिटर्निंग टू योर सेल्फ एसेंस, ट्रू एसेंस, रिटर्निंग टू द ट्रू नेचर ऑफ योर सोल। क्या है हमारा मूल स्वभाव? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र हमारा मूल स्वभाव है। प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति हमारा मूल स्वभाव है। जीवन जीते जीते जहां जहां हम इन स्वभाव से विपरीत काम किए हैं वहां वहां हमें वापस लौटना है। तो अपने जीवन पर नजर डालें, पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, जहां तक आपकी मेमोरी जाती है, आपके मन के अंदर कौन कौन सी गांठें बनी हैं, कहां आपने राग किया, द्वेष किया, कहां क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे कषायों को स्थान दिया। स्वाभाविक, अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो कहां हमने अपने भीतर डर पैदा किया, टेंशन्स किए, चिंताएं की, हेट्रेड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, जेलसी, ऐसी नेगेटिव भावनाएं जहां जहां हमने पैदा की, जिस जिस सिचुएशन में पैदा की, उनको याद करें। अपने आप को भी माफ करें, लोगों को, सिचुएशन को, जीवन को भी माफ करें। लोगों से माफी मांग लें। जीवन जीते जीते 84 लाख योनि में से किसी भी जीव को हमने दुख पहुंचाया है तो उनकी माफी मांगे, क्षमा याचना करे। अपने पाप को एक्सेप्ट कर लेना और माफी मांगना, बहुत सारे कर्म इसी से निर्मूल हो जाते हैं, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और 18 अलग अलग प्रकार के पापस्थानकों से हमने पाप बांधे हैं, किए हैं, करवाए हैं, या जो कोई कर रहा है तो उनकी अनुमोदनाएं की हैं, उन सारे पापों की माफी मांगे, क्षमा याचना करे। ये सुनहरा मौका है हमारे पास, हमारी आत्मा को शुद्ध, श्वेत, अपने मूल स्वभाव में लाने का।
जीवन जीते जीते अनेक कर्मों के रज जो हम पे चढ़ गए हैं, इनको खत्म करने का, और धीरे धीरे अब पांचवें आवश्यक पे आए, अपनी काया का उत्सर्ग करें, कायोत्सर्ग यानी जीते जी काया को छोड़ना, काया का भान भूल जाना। जब हम सजगता के साथ अपनी पूरी काया को ऑटो सजेशन देते हैं, यानी सूचना देते हैं रिलैक्स होने की, तो हमारी काया ढीली होने लगती है, प्राण शक्ति काया से, सारी काया से निकलकर नाभि केंद्र में केंद्रित हो जाती है। दोनों पैर के अंगूठे से शुरू करें, अंगूठे छोड़े, अंगुलियां छोड़ी, अपने पंजे छोड़े, पिंडलियां छोड़ी, घुटने छोड़े, जांघें छोड़ी, गुप्त अंगों को छोड़ा, पेट छोड़ा, छाती छोड़ी, शोल्डर्स को छोड़ा, कमर से लेकर धीरे धीरे मेरुदंड से ऊपर आते हुए पूरी पीठ छोड़े, दोनों हाथ को ढीला छोड़े, गर्दन ढीली छोड़े, सिर को ढीला छोड़े, चेहरे के हर अवयव को ढीला छोड़े, रिलैक्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, लीव इट लूज एंड यू एक्चुअली बिगिन ट्रांसेंडिंग टू डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मन की गहराइयों में उतरने लगे हैं आप। ये बात अब मन के अंदर गांठ करने लगे, इस बात को मन के अंदर अब बसा ले कि ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये शरीर एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं अपना जीवन जीता हूं। मैं शरीर में रहने वाला वो शुद्ध चैतन्य अविनाशी ऐसी आत्मा हूं, श्वेत प्रकाशमय ज्योतिर्मय आत्मा, प्रेममय आत्मा, शांतिमय आत्मा, आनंदमय आत्मा, शक्तिमय आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र मेरा स्वभाव है। और अब छठा आवश्यक पचकान, यानी अपने आप को प्रॉमिस करें कि हम आज से एक बेहतर इंसान होकर एक बेहतर इंसानों वाली जिंदगी जिएंगे, धर्म के सच्चे मार्ग पे चलकर मोक्ष की तरफ प्रयाण करेंगे। हम यहां किसी से रेस करने नहीं आए, हमारी रेस, हमारी दौड़ अपने आप के साथ, कल हम जैसे थे आज हमको उससे बेहतर होना है, आज जैसे हैं कल उससे भी ज्यादा बेहतर होंगे। हमसे आज तक जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं,
उसे एक्सेप्ट करे, उसका प्रायश्चित करे, उसकी माफी मांगे, उसका फल प्रभु पे छोड़ दे। लेकिन अब आज के बाद हम जो बिहेवियर करेंगे ये हमारे हाथ में है। हमारी सोच बदले, भावनाएं बदले, नेगेटिव नकारात्मक भावनाओं से पॉजिटिव सकारात्मक भावनाओं में आए। हमारी माफ करने की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाए, हमारी प्रेम करने की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाए, तभी आप वास्तव में मिच्छामी दुक्कड़म कर सकते हैं। तब आप वास्तव में मिच्छामी दुक्कड़म शब्द का अर्थ समझ पाएंगे और सच्चा मिच्छामी दुक्कड़म कर पाएंगे। हमारी लोगों को माफ करने की और प्रेम करने की शक्ति अनंत गुणा बढ़ चुकी है। अब हम अपना जीवन ग्रैटिट्यूड की भावना से, थैंक यू की भावना से, आनंद की भावना से जिएंगे, ये प्रॉमिस हम अपने आप से करें। इस प्रॉमिस के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों पर ले, आंखें खोलने की जल्दी ना करें। दोबारा ऐसा करते हुए एनर्जी को चेहरे पर ले, गले पर, शोल्डर्स पर। दोबारा ऐसा करते हुए पूरे धड़ और पैरों तक एनर्जी को बहाएं। 2400 तीर्थंकर परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने हमें धर्म का सच्चा रास्ता दिया। सारे गुरुओं का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया। अपने आप का शुक्रिया अदा करें कि हमने धर्म का सच्चा रास्ता चुना। सारे देवी देवताएं, धार्मिक सारी जो एनर्जीज हैं, सबका शुक्रिया अदा करें कि हमें धर्म के सच्चे रास्ते पे चलने के लिए मदद मिल रही है, शक्ति मिल रही है। कृतज्ञता की लागनी के साथ आंखें खोले। वितराग्नि आज्ञा विरुद्ध में काई पण कही दीदू हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। आप सर्वे ने जानता अजानता में क्या दुख पहुंचाड़ियो हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। खामी मे सव जीवे सवे जीवा खमंतु मे मिति मे सव भुवेसु वेरम मज्जन के नई एवं महालोया नंदी अगर्य दुगच्छ्यम सम्मम तिविहेन परिकम तो वंदामि जिन चौवीसम वंदामि जिन चौवीसम। थैंक यू।